मुकुंद आ गया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सभी लोग आ जाओ। 2-3 दिन लगेगा, सब धीरे धीरे अपने आप से आ जाने लगेंगे, पता चल जाएगा लेक्चर चलता है। जो भी न्यू लोग हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर अपने इस ऐप को डाउनलोड करिए यूनिक सिविल। और जैसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपका ओपन हो जाएगा स्क्रीन। स्क्रीन ओपन होने के बाद वहाँ पर बैचेस में जाके सिर्फ आपको डालना है यूनिक टॉक, दैट्स इट। उसके बाद रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, आप बैच में आ जाएंगे। और इन्होंने बोला कि सर जब आपने एक वीडियो बनाया था कि क्रिएटिविटी कैसे थिंक करें उसके बारे में बताएं, मैं बता दीजिए। ओके बताता हूँ, तुरंत ही बताता हूँ सर। जॉब का बता दीजिए कैसे करें, बहुत दिक्कत चल रही है, पर वगैरह पर से क्लाइंट कैसे लें। ओके, हाइबर पे क्लाइंट के लिए तो पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो उसको तो मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा, अगर चाहिए तो दिखा दूंगा। Fiverr.com पे जाओगे, इसका ना बहुत बड़ा फंडा है मतलब अकाउंट बनाने का। अकाउंट तुम बना के रखो तो मुझे डायरेक्ट अपना ईमेल आईडी पासवर्ड शेयर करो यहाँ वाला, तो मैं क्या करूँगा फटाफट लॉगिन करके कर दूंगा, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है मेरा खुद का लॉगिन आईडी क्या है, पहुँच ही नहीं पाता यहाँ तक। एक यहाँ पर एक Fiverr.com, दो वेबसाइट्स हैं, एक freelancing.in और एक Fiverr.com, इन दोनों पर अपना वेबसाइट अकाउंट बना के रखो, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या बोलते हैं यहाँ से लीड लेना है। क्रिएटिविटी का बताता हूँ आनंद को, पिंटरेस्ट सबको पता होगा, यहाँ जाओ और यहाँ पर डाल दिया करो बिल्ड। जैसा चाहिए जी प्लस बिल्डिंग, तो हम लोग क्या करते हैं ये देख लिया। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, ठीक, और किसी मैसेज आ रहा है कि एक बार देख लेता हूँ, ऑनलाइन लोन मिलता है, हाँ ऑनलाइन लोन बहुत अच्छा मिलता है आरिज, और इसमें पैसा इतना है। एक बार आपका एक साथ अगर कैल्क हो गए सर, मैनुअल कैलकुलेशन कोर्स हाउ यू विल एक्सप्लेन इन एक्सेल, मतलब ऑलरेडी मैंने वो बताया हुआ है उसका वीडियो कोर्स में। एक्सेल अपने पास सीट है वरुण, एक्सेल सीट में हम लोग डाटा पुट करते हैं, पहले मैनुअल देख के मैनुअल में जो रिजल्ट आया उसी को एक्सेल में पुट कर देते हैं, तो हम एक्सेल और मैनुअल दोनों को मिला लेते हैं, इस तरीके से कंप्लीट उसका कोर्स है। ठीक है, मैं टिप्स दे रहा हूँ जी। और इन्होंने बना हुआ है सर सब जी GIBS है, ठीक है, मुझे तो व्हाट्सएप पर भेजो जो तुम्हारा बना हुआ अकाउंट, व्हाट्सएप में भेज दो, और एक बार मैं क्या बोलते हैं अपना साइट का, तो मैं फ्री होकर उसको चेक कर दूंगा, फिर उसका प्रोफाइल वोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, पहले से बता दूंगा। सबसे पहले देखो फिर कैसे हमें आर्किटेक्ट का काम को मतलब अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, कामों को कैसे सर्च करना है। तो काम को सर्च करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि कैसा हमको बनाना है, ठीक है। अब सेम टू सेम मत कॉपी करो, बट इसमें से क्या देख सकते हो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं जो देख रहा हूँ इसमें मुझे ये ऊपर का जो ये लाइनिंग्स है ये अच्छी लग रही है, राइट। तो अब हमारा जो भी यूनिक होम डिजाइनर, ये मेरी कॉपी कहाँ से चल रही है, बट मेरा नहीं, मेरे भी कई ढेर सारे हैं, लेकिन मेरा ही है क्या, मेरा ही है शायद, नहीं मेरा नहीं है, पता नहीं, जान दो किसी और का ही है। तो यहाँ पर देखो इस पे ऊपर से आपको ये क्या बोलते हैं आपको प्रॉपर यहाँ से दिख रहा है, ये क्या हो गया, एक क्रिएटिविटी हो गई कि हमने इसको कॉपी कर लिया माइंड में। अब दूसरा हमने दूसरा देखा कि किसी और का क्या देखते हैं अच्छा लग रहा है, अब ये देखा इसके में क्या अच्छा लग रहा है। तो इसके में जो अच्छा लग रहा है वो ये आगे का जो ये पैरापिट का डिज़ाइन है, तो क्या हम इसको अपने माइंड में रख सकते हैं कि आगे का पैरापिट का माइंड, करेक्ट। अगर ये नहीं तो हम क्या डोर देख सकते हैं क्या, सिंपल एंड बेस्ट डोर, करेक्ट। तो इनके में से हमने ये कॉपी कर लिया ना, तो इस तरीके से हमें सैकड़ों घर देखने हैं, उनकी अलग अलग क्रिएटिविटी। अब जैसे सपोज ये है, अब इसका मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ऐसे किया इसने और ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, सब कुछ रेबिट में एक्सट्रूजन कमांड से बन जाएगा, सब कुछ पता ही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्रिएटिविटी हो गई क्या, तो इसको यहाँ से ऐड करो। तो सबका एक का पूरा ना ले लो, सबका थोड़ा थोड़ा लोगे तो जब आप क्रिएट करोगे तो आपका बहुत शानदार बन जाएगा। अब ये है इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो आप देखो कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। तो जो मैं इसको देख पा रहा हूँ तो ज़्यादा चीज़ें तो नहीं अच्छी लग रही, बट इसका ये अच्छा लग रहा है ये वाला,
तो ये आप चाहो तो अपने में कॉपी कर सकते हो। इस तरह से आपको Pinterest.com पे डालो, हजारों लाखों एक्चुअली लाखों इमेजेस मिलेंगे, सबके अंदर से पढ़ो। कहते ना कि उनको जब बार बार देखते हैं तो चीज़ें याद होने लगती हैं, तो इनको बार बार पढ़ो और यहीं से आइडिया लगे। अब देखो इसमें क्या अच्छा लग रहा है, इसके में ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही है, कॉपी कर लो इस डिज़ाइन को। तो मतलब इस तरीके से जाओगे तब आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी। ये चलो अब बता देता हूँ ऑनलाइन वर्क के लिए कैसे ऑनलाइन वर्क होता है या कैसे पाते हैं। ठीक है, आज के टाइम में अगर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो हेल्प कर रहा है, अगर इंडिया का काम करना चाहते हो इंडिया के लिए लिंक्डइन सबसे बेस्ट है। इतना ज़्यादा बेस्ट है कि मैं तो रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बिलीव करो मेरे कनेक्शन गड़बड़ हो जाते हैं। गड़बड़ इन द सेंस उनको ही बुरा लग जाता है कि यार मैं मैसेज नहीं कर पाता हूँ। तो बट इससे अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर काम करने का नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, पोस्ट डालना है। अब देखो मैंने एक पोस्ट डाला था अभी थोड़ी देर, देखता हूँ कब डाला था, मुझे याद नहीं है बट एक बार देख कर बताता हूँ। एक पोस्ट डाला था और वो पोस्ट कौन सा था, जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ काम करने का। अभी देखो एक पोस्ट ये था शायद, ये अपना एक पोस्ट है, इसको देख लेते हैं। अब देखो इसका कितने लोगों तक पहुँचा है, ये 700 लोगों तक पहुँच चुका है एक दिन के अंदर। अब सपोज यहाँ पर आपने एक 3D मॉडल डाला हुआ है और आपने बोल रखा है कि भाई हम ये काम करते हैं इतने प्राइस में करते हैं। ठीक है, इतना बेहतरीन रिस्पांस मिलता है, यहाँ पर जेन्युइन लोग मिलते हैं, कुछ फेक रहते हैं क्योंकि फेक तो हर जगह घुसे हुए हैं। बट आपको उसमें सब देखो इसने क्या डाला है, सिंपल एक्सटीरियर स्केचअप एंड रेंडरिंग इन लुमियन, लुमियन में किया है इसने। ये देखो डाला हुआ है, इसके पास चार आए हुए हैं जबकि आप देख सकते हो उसके कुछ खास मॉडल में दम नहीं है। इससे अच्छा तो हमारे आनंद ही बना दो, बहुत ढेर सारे स्टूडेंट है जो बना लेते हैं। तो क्या करना है आपको, लिंक्डइन पर अच्छी पकड़ बनानी है, यहीं से आपको क्या बोलते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। या फिर आप जाइए डायरेक्ट Fiverr.com पे और Freelancing.com पे। फॉरेन के प्रोजेक्ट्स लेने हैं तो फॉरेन के प्रोजेक्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर के ज़्यादा मिलेंगे, एक्सल के स्टैट के कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैट क्या होता है कि वो अपने गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने लोकल में डिज़ाइन करवाते हैं, आपसे नहीं करवाएंगे। आपसे रेबिट पे और इस 3ds Max पे, इन सब सॉफ्टवेयर पे, स्केचअप पे बहुत काम देंगे आपको, अगर जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का है। ठीक है चलो, ये भी इनका एक पढ़ता हूँ। इन्होंने बोला कि यस सर वी विल डू एक्सेस प्रे, तो एक्सेस प्रे फॉर आवर नेशन टू गेट द सेव देम क्राइसिस एज वेल एज ऑन द अदर हैंड विल कैट दे रेगुलर वर्क। एक्सेस सीखना बहुत जरूरी है क्या, इन ऑर्डर टू इंटरप्ट एनालिसिस एंड डिजाइन। देखो अभी क्या है, बच्चा अभी भी ना अपना जो कंट्री है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ठीक है, जब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो उसमें समस्या क्या है कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पुराने टाइप के ही अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। उन सभी क्या करते हैं, वो अपने कंपनी, उन्होंने ही कंपनी खोल रखा है। अब अभी हम लोग की जो जनरेशन है ये नई जनरेशन है। अब ये जनरेशन जब आएगी तब तो हम लोग पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर बेसिस पे आ जाएंगे। बट जो पुरानी जनरेशन है जिन्होंने कंपनी खोल रखी है, ठीक है, तो अब उन लोगों को एक्सेल से उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तो उनको लगता है कि मेरा एक्सेल का डाटा ही सबसे बेस्ट रहता है, तो वो अपने कंपनी में एक्सेल रखते हैं। इसलिए मैंने जो अभी तक मैं सर्वे किया है तो 10 में से 6 कंपनियां, मतलब 60% कंपनियों में मैंने पाया है कि एक्सेल अभी भी यूज होता है, कुछ में क्रॉस चेक के लिए, कुछ में प्रॉपर डिजाइनिंग के लिए। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक्सेल सीखते हो तो आपको बेनिफिट रहेगा, और कई जगहों पर एक्सेल का डाटा भी बेहतरीन, रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन रहता है। इसलिए उस फॉर्म में भी बोलोगे तो एक्सेल, मैंने कॉलम वगैरह के डिजाइन में देखा है, स्टैट में कभी ज़्यादा स्टील दिखा देगा बट एक्सेल में एकदम प्रॉपर दिखाता है। तो हम लोग मिला लेते हैं कि किसका अच्छा है, उसको कंटिन्यू करते हैं। चेतन ने बोला कि 3D फ्रंट एलिवेशन के लिए क्या सीखना चाहिए। 3ds Max सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन सीखना है चेतन, तो 3ds Max पे जाओ। पूरा टेक्निकल काम सीखना है, एस्टिमेशन से लेके साइड एलिवेशन से लेके ये सब टेक्निकल चीज़ें सीखनी है तो रेविट पे जाओ, और जल्दी से जॉब पाना है तो स्केचअप पे जाओ। क्यों? स्केचअप सबसे ईजी है, सबसे जल्दी सीख लोगे। रेविट पे टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे कि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, कॉल आउट है, एक्सेक्शन एलिवेशन कैसे कट करना है, डिटेलिंग कैसे करना है, एवरीथिंग रेविट में बहुत कुछ है। बट केवल एलिवेशन देखना है अच्छा सा, तो 3ds Max से अच्छा एलिवेशन कोई अभी तक निकाल नहीं पाया, क्योंकि 3ds Max का फुल फॉर्म क्या है, 3D Studio Max, मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो 3D का सबसे अच्छा काम यही करता है।
चलिए थंब रूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर कोई पीडीएफ शेयर कर दीजिए, थंब रूल पर चलेगा, इसी ग्रुप पे चैट बॉक्स पे भी मैं शेयर कर दूंगा, आज ही कर दूंगा प्रशांत, कोई दिक्कत नहीं है जी। स्ट्रक्चर के नहीं मिलते सर फाइवर पे, हाँ स्ट्रक्चर के नहीं मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर के लिए आप परेशान हो जाओगे, बहुत कम मिलेंगे, जो इंडिया के क्लाइंट हैं वही फाइवर डॉट कॉम पे आपको देंगे, बाहर के नहीं देंगे सर। 3D इन्होंने बोला सर BIM मॉडलिंग में फॉलोइंग सॉफ्टवेयर किस ऑर्डर में सीखना चाहिए, आफ्टर आइदर रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट MEP, टेरास्पेस, वीरे लूमियन। देखो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए रैबिट और आर्किटेक्चर, रैबिट आर्किटेक्चर के बाद रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर के बाद रैबिट एस्टिमेशन सीखना चाहिए, और रैबिट एस्टिमेशन के बाद तब रैबिट MEP, और फिर उसके बाद आपको इन सब में ना जाके नेविसवर्क सीखना चाहिए, भेजा एक नया सॉफ्टवेयर रहेगा आपको नेविसवर्क, वो सीखने के बाद आपको डायरेक्ट लूमियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे तो लूमियन तुम्हारे मर्जी है, करो तो कर लो, नहीं करोगे तो भी चलेगा ठीक है, और 3ds Max भी करो या ना करो, 3ds Max की जगह पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है इनस्केप, रेविट के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगा, 3ds Max के लेवल का रेंडर दे देगा, तो तुम्हें 3ds Max और लूमियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ तुम्हें वॉक थ्रू का काम सीखना है, कुछ कंपनियां वॉक थ्रू बनाती हैं आजकल और वॉक थ्रू पर बहुत पैसा खर्च करती हैं, तो उनके लिए आपको सीखना है तो BIM का लास्ट सॉफ्टवेयर सीख लो लूमियन, लूमियन में बड़ा अच्छा वॉक थ्रू बनता है, उससे अच्छा वॉक थ्रू का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, बहुत हाई लेवल का है, बट उसके लिए सिस्टम आपका एकदम हाई लेवल का होना चाहिए, नहीं तो हैंग ऐसा करेगा पता भी नहीं चलेगा, इंक्रीजन कोड अलग अलग करेक्ट, इसीलिए काम नहीं मिलता है स्ट्रक्चर का। इन्होंने बोला कि सर यूट्यूब पर आर्किटेक्चर वॉक थ्रू में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों का वॉक थ्रू दिखाते हैं तो हम रेविट में इंटीरियर और एक्सटीरियर का एक साथ डिजाइन कर सकते हैं क्या, 3ds Max सीखना चाहिए। देखो इंटीरियर की अगर बात करो तो इंटीरियर ज़्यादा अच्छा रेविट के अंदर नहीं बन पाता आनंद, तुमने खुद भी प्रैक्टिस किया है, तो इंटीरियर का जो स्पेशल सॉफ्टवेयर है वो 3ds Max ही है ठीक है। इवन तुम इंटीरियर के जो कॉलेजेस होते हैं ना, इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉलेज भी होता है, 2 साल का कोर्स होता है इसका, वहाँ पे भी जाओगे ना तो भी आपको क्या मिलेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर 3ds Max सिखाएंगे ही सिखाएंगे, और वो सिखा के उनको बेनिफिट होता है, तो इसलिए सिखाते ही सिखाते जी। तो 3ds Max इंटीरियर के लिए सबसे बेस्ट है, बल्कि एक्सटीरियर के लिए आप रैबिट को यूज कर लोगे चलेगा, रैबिट के साथ इनस्केप का रेंडर कर दो और रैबिट आपका चलेगा एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए, बट इंटीरियर के लिए आपको हाई लेवल का करना है तो डेफिनेटली 3ds Max नॉर्मल लेवल का स्केचअप पे करना पड़ेगा। आनंद ने बोला है कि सर मेरे राइजन का ग्राफिक्स कार्ड है तो और 8GB है तो लुमियन वर्क सीखता, हाँ हाँ 8GB में चल जाएगा, 1GB में आराम से चला सकते हो आनंद, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ठीक है। इन्होंने बोला है सर BTech के बाद फ्रेशर के लिए कंपनी सर्च करें, देखो सबसे बड़ा टैग तो ये तुम्हारा जो फ्रेशर वाला है ना ये सबसे बुरा है, किसी को फ्रेशर बोलोगे आज के टाइम में तो वो इंटरटेन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हर कोई इस समय लॉस में जा रहा है, और लॉस में अगर कोई जा रहा है तो वो चाहेगा कि हम ऐसे बंदे को रोशन हायर करें जो हमारी नैया को पार लगा दे, तो मैं बोलूँगा आप भले ही फ्रेशर हो इतना काम सीख कर रखो ठीक है, जैसे कि अभी आनंद है ये भी फ्रेशर है, ये इन्होंने इनका आप काम देखोगे ना तो इनका काम प्रोफेशनल लेवल का है ठीक है, और इन्होंने मुश्किल से मेरे से 3-4 महीने ट्रेनिंग ली है बट प्रैक्टिस बहुत किया है इन्होंने, अब मैं इनको कल से ही लगाने जा रहा हूँ, तो मतलब अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट लेके देंगे, अभी अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो इनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर मैं फ्रेशर हूँ, ये सीधे अपना पोर्टफोलियो सबमिट करेंगे कि सर ये देखो ऐसा हमारे पास टैलेंट है, अब सामने वाले को लगेगा अरे फ्रेशर से क्या मतलब, इसको जो हमें काम चाहिए वो तो आता है इसको, डायरेक्ट हायर कर लो, अब ये अपने कम्युनिकेशन पे केवल काम कर ले और सही तरीके से गाइड कर पाए अपने इंटरव्यूअर को कि आई एम समथिंग एंड आई एम डिफरेंट, तो बिलीव करो इसका काम बेहतरीन हो जाएगा और इसको अच्छी जॉब मिलेगी। तो रोशन सबसे पहले आपको ये ट्राई करना है कि मैं कुछ ऐसा सीख लूँ जिसके बाद कंपनी में जाने के बाद ये मत कहूँ कि यार मुझे मैं तो एकदम फ्रेशर हूँ मेरा तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं मेरे को इतना काम आता है ना आप इसके बेस पे मुझे जॉब दो, ऑटो कैड आता है, ऑटो कैड में अच्छी सी प्लानिंग आती है, आप बोलो मैं फ्रेशर नहीं हूँ मैं प्लानिंग अच्छे अच्छे करता हूँ ठीक है, कम से कम आप 100 प्लान बना के उसकी पोर्टफोलियो तैयार कर डालो, दिखा दो उनकी हालत खराब हो जाएगी ठीक है, तो इस लेवल का डेडिकेशन करोगे तो रोशन तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं तुमको पर्सनली गाइड कर दूंगा जो मेरे से हो पाएगा। अफजल बोल रहे हैं कि स्टैट को स्टैट में फुटिंग के डिजाइन नहीं करते हैं तो सब अलग अलग साइज का आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर मना कर रहा
है इतने अलग अलग साइज की फुटिंग के लिए। हाँ तो वहां पर आपको डाटा अपना एडिट करना पड़ेगा आप जन, और वहां पर जो आपका मैक्सिमम साइज का फुटिंग है उसी को सबके लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा, कि कॉन्ट्रेक्टर जब वहां पर लेआउट बनवाते हैं तो वो सेम साइज का प्रीफर करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो डाटा है ना उसको ऑटो कैड में लेके जाओ, वहां से एडिट कर दो। एडिट करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा वो, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सर करो बीम और अपीयर इन इन इरेगुलर प्लांस कैन बी एबल टू क्रिएट डायरेक्टली इन स्टैट। हम भी कर सकते हैं ना, ईटैब में ग्रिड बना सकते हैं और स्टैट प्रो में भी ग्रिड बना सकते हैं। करो ग्रिड होते ना, करो ग्रिड, तो उसके थ्रू आप बना दो नॉर्मली। सेम मेथड है मेरे पास 3ds Max 2013 है, बट उसका वीरे नहीं मिल पा रहा है। 2013 का वीरे है ना यहाँ पर, एक साइट है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का मैं, बट बहुत अच्छी साइट है, इसमें बता रहा हूँ आपको, इस पे है वीरे 2013 का। यहाँ जाओ getintopc.com पे, यहाँ पे लिखना वीरे 2003 लिख दिया मैंने, क्या बात। मेरी बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है, खुद की बड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी को, बट मेरी बहुत अच्छी हो गई है। तो उसका रीजन है कि एक ग्रुप है, उसमें मैं डेली मतलब इवनिंग में और मॉर्निंग में जब भी फ्री होता हूँ तो उसको ग्रुप को ज्वाइन करता हूँ, और उस ग्रुप में जाके उन लोगों को कुछ न कुछ जो भी उनका टॉपिक रहता है उस टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ। तो मेरे को उनसे बात करते करते भी बहुत प्रैक्टिस हो गई, प्लस इससे पहले जिस कंपनी में था वहाँ पर माहौल थोड़ा अच्छा वाला था, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बोलते थे और अपन तो हिंदी मीडियम से हैं। UMT हमारा स्कूल जो था ना अंडर मैंगो ट्री, ठीक है, आम के पेड़ के नीचे था, तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि हम स्कूल से सीख पाते, बट हमने जॉब में आके थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव की, और जब स्टार्ट किया था तब बिल्कुल नहीं आती थी, बट धीरे 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 नाउ राइट नाउ दिस इज गुड, मतलब आई कैन से कि आई कैन स्पीक वेरी वेल, इवन आई कैन टॉक विद एनी अदर एस एन लिटिल बिट, लाइक आई कैन टॉक इन अमेरिकन एंड ब्रिटिश ऑल्सो। इतना तो हो जाएगा कि मैं सामने वाले को काम कर लूंगा अपने जो मुझे बताना है, ठीक है। ये मेरी अच्छी अभी स्किल आ गई है ड्यू टू प्रैक्टिस। तो मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ अभी व्हाट्सएप ग्रुप चले हुए हैं इंग्लिश के, नहीं मिलेंगे बताना, मैं ऐड करवा दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो उसमें अटैच हो जाओ और साथ ही साथ सीखते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, बोलने से ही होगा, गलती करने से। सर कर्व ग्रेड के लिए हमें ऑटो कैड में ग्रेड करना चाहिए, ऑटो कैड में कर सकते हो, बट ऑटो कैड में जब करोगे मिल जाए तो ग्रेड और सर्किल से बना नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको हमने बताया हुए क्लासेस में कि पॉलीगॉन यूज करना पड़ेगा। पॉलीगॉन यूज करोगे तब उससे बनेगा, पॉलीगॉन से उसका एक अलग मेथड ही है पूरा। पॉलीगॉन से सर्किट बनाओ, फिर उसको एक्सट्रेट करो, जब एक्सट्रेट करोगे तब वो इम्पोर्ट होगा, नहीं तो इम्पोर्ट ही नहीं होगा, तो फिर कर ही नहीं सकते कुछ, ठीक है। तो उसका प्रॉपर स्टेप है, शायद यूट्यूब पे भी मैंने बताया हुआ है। और इन्होंने बोला कि मैनुअल डिजाइन स्ट्रक्चर का भी कोर्स प्रोवाइड है क्या? हाँ जी, G+2 का है मैनुअल का, और वो तो बेसिक लेवल का ही है, और एडवांस लेवल का नहीं है। एडवांस लेवल करना है तो मत करना उसको, वो बेसिक लेवल के लिए है, जो बिगिनर्स बच्चे हैं जिनको अभी मैनुअल का कुछ भी नहीं पता उनके लिए बेस्ट है। ओके चलो जी, इन्होंने बोला आरसीसी स्ट्रक्चर, हाँ जी, G+2 के लिए सफिशियंट है, अगर आप करना चाहो तो G+2 के लिए उसको कर सकते हो। चलो फिर कल मुलाकात करें, और क्या बोलते हैं, मैं ये बोलूँ, हाँ कल से मैं डेली आता हूँ ना, कल से आप लोग टेंशन मत लेना, कल से हम डेली आते हैं इस डाउट लेक्चर में, हो सकता है 10 to 10:30 कर देंगे लेक्चर, तो ज़्यादा मज़ा रहेगा। ओके चलो, क्या होता है घर में बैठे बैठे हम भी बोर हो जाते हैं ना, इसलिए सो जाते हैं कभी कभी। सर टेक्ला और स्टैंड प्रो के बारे में बताइए। ओके चलेगा, देखो टेक्ला जो है, टेक्ला दो है शुभम, एक है टेक्ला डिजाइनर, एक है टेक्ला डिटेलर, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो कि डिजाइनर और डिटेलर में डिफरेंस क्या है। टेक्ला डिटेलर जो है वो 3D डिटेलिंग करता है। 3D डिटेलिंग मतलब डिटेलर डिटेलर कैसे डिटेल करके देता है वो कंप्लीट का क्या बोलते हैं, सॉरी एक पहले मैं दूसरे क्वेश्चन पर फोकस हो गया मेरा गलती से। तो टेक्ला डिटेलर है, टेक्ला डिटेलर क्या करता है, पूरी कंप्लीट 3D डिटेलिंग बना के देता है, और जो टेक्ला डिजाइनर है वो पूरा का पूरा डिजाइन क्रिएट करके देता है। टेक्ला डिजाइनर जो है वो डिजाइन क्रिएट करके देता है, जैसे स्टैट प्रो,
तो आपको अगर स्टेट प्रो वाला जैसे सीखना है तो टेक्लर डिजाइनर सीखना, और अगर पूरी डिटेलिंग करके देनी है तो 3D डिटेलर की एक अलग प्रोफाइल होती है, तो उसके लिए टेक्लर डिटेलर सीखना। अभी तुमको देखो यहाँ पर डालोगे आप 3D डिटेलर जॉब इन पुणे, कहीं भी डाल दो जॉब इन पुणे, अब देखो किस पर आएगा जॉब, यहाँ पर देख लो। तो तुम्हें सबसे ज्यादा जॉब जो मिलेंगे वो इसके ऊपर मिलेंगे, क्या बोलते हैं, टेक्ला के ऊपर ऐसे डालोगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्ला डिटेलर। तो अब ऐसी जॉब के लिए प्रेसियन प्रीकास्ट यहीं पे स्वागत पर है, यहाँ पर जो लड़के हैं ना उसमें दो तीन लड़के हैं जो मेरे ही पढ़ाए हुए हैं, मैनेजर भी हैं वो, तो क्या बोलती है मुझे जानती है अच्छे, यहाँ पर अगर ओपनिंग होगी बताना मैं शॉर्टलिस्ट करवा दूंगा। तो ये ऐसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टेक्ला मॉड्यूलर, ठीक है। सबसे ज्यादा जॉब 3D डिटेलर की किसको मिलती है, टेक्ला वालों को मिलती है, बट जो टेक्ला डिजाइनर है, ये डिटेलर है, टेक्ला जो डिजाइनर है उस पर अभी इंडिया में जॉब कम है, अभी कम लोग इसको यूज कर रहे हैं, बट धीरे धीरे वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो सीख के रखोगे तो बेटर है, कोई बुराई नहीं है। और स्टेट प्रो तो डेफिनेटली इस समय सबसे ज्यादा इंडिया में यूज हो रहा है स्टेट प्रो, ठीक है, स्टेट प्रो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए स्टेट प्रो पे नंबर ऑफ ओपनिंग्स ज्यादा है कंपेयर टू टेक्ला, ठीक है। और डिजाइनर, अगर डिजाइन की कॉन्सेप्चुअली बात करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों लगभग सेम है, डाटा डालने के ऊपर, डाटा आप कैसे डालते हो, बट स्टेट प्रो को मैं ज्यादा प्रिफरेंस करूंगा कंपेयर टू टेक्ला। ओके, फॉरेनर सबमिशन करते करते नहीं बन रहा है स्टेट प्रो में। अर्जुन तुमने तो शायद वो लिया है ना, अपने पास कोर्स लिया है, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, मतलब लास्ट के लेक्चर्स में जाओ तो वहां पर मैंने सबमिशन कैसे करना है कंप्लीट बताया हुआ है, कंप्लीट बताया हुआ है। ओपनिंग्स के बारे में अलग से बताता हूँ मिर्जा, शायद वो बड़ा टॉपिक है, बड़ा मतलब छोटा ही बड़ा है। अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे कैसे, नहीं मैंने ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दिया आज, अभी एक्चुअली मुझे घर जाना है, तो अगर मैं अभी स्टार्ट किया हो घर जाके, तुमको पता है वहां पर नेटवर्क कैसे रहता है, तो बीच में बच्चों को इतने दिन छुट्टी दूंगा तो उनको ही बुरा लगेगा, सर कहाँ निकल गए हम लोग वेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं 8 तारीख को मेरा फ्लाइट है, तो मैं 8 तारीख को निकल जाऊंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ घर से आने के बाद ही लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा सब कुछ। इस ऑप्शन में विंडो डक्ट के लिए के दिखाया है या उससे उसके पर्पज के लिए, हाँ मतलब वो जो वॉल ओपनिंग्स है ना वो केवल केवल डक्ट की ओपनिंग्स के लिए, उसका कोई खास यूज नहीं है। जो हम लोग जैसे होता है ना, हम लोग सीर वॉल यूज करते हैं, उसको वन साइड से कट करते हैं, तो उसके लिए वो वॉल ओपनिंग दिखाया हुआ है, और कोई उस वॉल ओपनिंग का यूज नहीं। ईटैब में अगर तुम शायद बात कर रहे हो तो उसका कोई दूसरा यूज नहीं है, जस्ट दिखा दो कि ओपनिंग्स है, और कोई उसका दूसरा यूज मतलब यूज नहीं नहीं है। सर ऑटो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एनालिसिस पार्ट कवर हो पाया है क्या आपके ईटैब में? ऑटो सीक्वेंस तो थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे तो मेरे लिए इजी होगा, समझ नहीं पाया ऑटो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। हाँ मैंने उसके लिए बताया है, वह स्टील स्ट्रक्चर के लिए ऑटो कंस्ट्रक्शन मटेरियल चूज करने के लिए बताया है, अगर उसकी बात कर रहे हो तो ठीक है उसके लिए बताया है। चलो इन्होंने बोला जी सर स्टेट प्रो और RCDC के कोर्स लिए, उसमें 32 क्लास हो चुका है। अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, तब तो पहुंच रहे हो, जल्दी ही प्रोजेक्ट भेजूंगा आपको, वेरी गुड। चलो फिर कल डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं तो कल डिस्कस करते हैं उसको, क्योंकि इधर 30 मिनट हो गया, अभी अचानक से कट जाएगा ये, और इनका कल सीक्वेंस वाला कल आपको बताता हूँ मिर्जा, ठीक है। कल सेम क्लास टाइम होगा, जैसे भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा थंब रूल का, एक कोई किसी ने बोला PDF देने के लिए, कल थंब आज ग्रुप में ही दे दूंगा थंब रूल का PDF। चलिए थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।